फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन हमारे अपने चैनल में एक्सप्लोर विद बाबा। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपका श्री साई बाबा का मंदिर में, गुवाहाटी में 6 माइल, क्योंकि हमारा कुछ प्रोग्राम है आज, तो इसलिए आया था। और तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे यामाहा के रेजर जो 125 cc उसके ऊपर है, जो हमने ख़रीदा था 2020 को। इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है और आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था। आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है, ये है कि आप अगर आप बाइक या स्कूटर या कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप जो जैसा हम ठग लिए गए हैं वैसा आप ना ठगो। क्योंकि देखिए, हमने ये ख़रीदा था थोड़ा रिमोट एरियाज में, और जब ख़रीदा था तब मैं नहीं था, मेरे बहन ने ख़रीदा था, तो वो उनको उतना आइडिया नहीं था गाड़ी के बारे में। तो जब उन्होंने ख़रीदा था तो ये इंजन चेक लाइट जो है जल रहा था, तो उन्होंने पिताजी को गिफ्ट करने के लिए ये ख़रीदा था। जब मेरे बहनों ने लेकिन पूछा था कि अगर ये क्यों हो रहा है, तो जो डीलर वाले हैं वो बहुत ही चालाक है, उन्होंने कहा कि मैडम, ये आपका फ़र्स्ट सर्विसिंग में ये ठीक हो जाएगा, आप कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके चक्कर में मेरे बहन ने भी विश्वास कर लिया और वो कहे कि ठीक है, फर्स्ट सर्विसिंग में वो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉमिस है, ये फर्स्ट सर्विसिंग में ठीक हो जाएगा। तो अभी ये हो रहा है, अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, अभी जब हम ये स्कूटर एक्चुअली ये ऑटो ऑफ है, अगर ये जो फीचर्स इसका क्या है, अगर आप ट्रैफिक में हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है ताकि तेल आपका बचता है, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। और अभी ऑटो ऑफ तो छोड़िए, अभी तेल बहुत ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बिना एक्सेलेटर दिए ही ये स्टार्ट करते ही ये गाड़ी भाग रहा है। इसके वजह से क्या होता है, हम ट्रैफिक में जब जाते हैं तो इस तरह से ब्रेक लगाना पड़ता है, और उस पर भी गाड़ी वाइब्रेट करता है, क्योंकि गाड़ी जो है आगे चलने का कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसका एक्सेलेटर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके वजह से हुआ है। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो सॉकेट है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब हमने नया नया ख़रीदा था, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव किया था कुछ दिन के बाद, तो मुझे ये एहसास हुआ था कि इसका जो जो एग्जॉस्ट है, ये पहले जो सॉरी ये जो शॉकर है फ्रंट का, ये थोड़ा जाम थोड़ा टाइट मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये जो रेजर, ये जो हम लोग को मॉडल, ये जो गाड़ी हमको दिया है, ये हमें कंडेम जो ख़राब वाला जो गाड़ी है, क्योंकि गांव एरिया में क्या होता है, आदमी लोग कोई कंप्लेन करता नहीं है उतना, और कोई इशू नहीं रहता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो कंडेम जो जो पीसेस होता है उसको वो डीलर वाले सस्ते में लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, आधा प्राइस में शायद लेते होंगे, और वो हमको चिपका देते हैं। लेकिन पूरा जो मेन प्राइस जो डीलर प्राइस है उसमें हमें ये पड़ा था ऑलमोस्ट 95,000 का, मतलब 1 लाख के आसपास पड़ा था। तो देखिए, हम अच्छी तरह से थक ले गए। अभी देखिए, हम भी सिर्फ 7,000 किलोमीटर ही चला है, 7,850, और गाड़ी का कितना सारा प्रॉब्लम आ गया। अब गाड़ी जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एज़ कम्पेयर टू आप एक्टिवा होंडा जो 2020-22 का आप चलाओगे, तो उसके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कि उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बैक पेन होता है। प्लस इसमें क्या है, मेरा एक बेटी है जो 2 साल का है, वो भी अच्छी तरह से इसमें खड़ा हो जाता है, क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा खाली है इसमें। तो इसका बेनिफिट बहुत सारा है, माइलेज बहुत अच्छा है, इसका पिकअप बहुत अच्छा है, जबकि एक्टिवा में आपको, नए एक्टिवा में उतना पिकअप आपको एहसास नहीं होएगा। मेरे पास डीओ भी है, उसका पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा, तो उसमें बैक पेन भी नहीं होता है, लेकिन उसमें जो स्पेस है वो कम है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का ये है कि मकसद है कि ये गाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें पीस मिला है वो बहुत ही ख़राब पीस मिला है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ आता है, वो वाला पीस है ये, या तो ये एक्सीडेंट हुआ है शायद। और दूसरी बात, मुझे इसका प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसका जो हेडलाइट है, रात को जब जलता है तो वो बहुत ही बिखरा सा आता है, अच्छा मतलब अच्छी तरह से थ्रो नहीं करता है, जबकि बाकी रेजर में मैंने चेक किया था, उसका बहुत अच्छा थ्रो आता है। मेरे ख्याल से ये एक्सीडेंट वाला किया हुआ जो गाड़ी था, तो हमको ये चिपका दिया गया है। देखिए, ये गाड़ी दिखने में बिल्कुल ही नया है, हम लोग बहुत ही कम चलाते हैं, अभी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम अभी जो है शुरू हो गया है। तो नो डाउट, आप अगर इस गाड़ी को, आप अगर इस स्कूटी को आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बच सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें इंजन चेक लाइट जल रहा है कि नहीं, और उसका शॉकर आगे का और आगे का, और ये जो बाकी सब जो है हेडलाइट वेडलाइट, आप बिल्कुल ऑन करके चेक कर लीजिएगा, और मस्ट है, ये मस्ट है, इसे ज़रूर चेक कर ले। देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, हम फर्स्ट सर्विसिंग कराने गए वहाँ पे, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक नहीं कर पाया, कुछ बोल के ऐसा टाल दिया। तो ये डीलर वाले बहुत एक्सक्यूज़ करते हैं, बेचने के समय में आपको बेच देंगे,
और अच्छा मोटा पैसा आपसे ले भी लेंगे और बाद में जो है ये आपको अच्छी तरह से चूना लगा देंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सतर्क रहिए, आप मतलब आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में हूँ। देखिए इस गाड़ी का इतना प्रॉब्लम है, चलाने में अभी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए स्टार्ट करते ही कैसे भागेगा। देखिए ये चाबी ऑन है, ये अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो चुका है, अभी देखिए ये कैसा भाग रहा है। देखिए देखिए मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी भाग रहा है। देखिए मेरा दोनों पैर भी ऊपर में है, ये देखिए दोनों पैर मेरे ऊपर है और ये गाड़ी बिना एक्सीलेटर का ये अभी भाग रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए फ्रेंड्स अभी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा से झटका मार रहा है, और अगर आप थोड़ा सा इसको पिकअप दे दोगे तो उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा जो है इसका रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चलाने में काफ़ी अनस्मूथ हो गया है इसके वजह से, और आगे का जो सॉकर है वो तो जाम में है ही खैर, और रात को जो हमारा हेडलाइट का जो प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा है वो शायद एक्सीडेंट वाला जो चीज़ है वो हमें दे। देखिए मैं मेरा फुट ऊपर है एक्सीलेटर में, मेरा हाथ नहीं है, और ये गाड़ी देखिए किस तरह से चल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और बहुत ही गंदा साउंड आ रहा है सॉकर का, देखिए क्योंकि सॉकर ख़राब हुए जान है। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसका वीडियो और भी लाते रहूँ। और फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊँगा कि इसको कैसे प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा और कितना खर्चा आएगा, तो उसका अलग ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँगा अगले वीडियो में इसका डिटेल। धन्यवाद, थैंक यू।